ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। वी ऑल आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड वी फाइंडिंग दैट मोर लव इज इमर्जिंग। दिन बर दिन हम और अच्छे बनते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रेम इमर्ज हो रहा है और बहुत सहज रीति से हम लवलीन अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। बैठते ही, सिर्फ बैठते नहीं, ज्यादा प्रेम स्वरूप का अनुभव जैसे कि स्वाभाविक रीति से बाबा खींच रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी वो अनुभव कर रहे होंगे। हम जो भी अभ्यास उठाते हैं अपने होमवर्क के लिए, अभ्यास के लिए, वो अलग अलग स्थानों पे वो दिखाई देता है। मेरे लिए अगर मुझे कुछ भी सीखना है या कुछ करना है, मैं ब्रह्मा बाबा को देखती हूँ और मुझे पता है ब्रह्मा बाबा जिस तरीके से उन्होंने परखा अपने जीवन में, उसका आधार था शिव बाबा के प्रति उनका प्यार, पर उसके साथ ज्ञान भी था। सही क्या है, गलत क्या है, इस समय मुझे अब क्या करना है, समय का मूल्य की पहचान, जीवन का मूल्य। हम हमेशा कहते हैं कि मानव जीवन हीरे तुल्य है। इसका एक्चुअली संगम युग पर हमारा जीवन हीरे तुल्य जीवन है। तो ज्ञान के आधार पर समय को देखते हुए मैं परखने की शक्ति का इस्तेमाल करती हूँ, जिस किस दिशा में मुझे जाना है। मैं पुरानी दुनिया की तरफ वापस नहीं जाना चाहती, मुझे नई दुनिया तरफ आगे बढ़ना है। तो मेरी परखने की शक्ति जो मेरा लक्ष्य है उसके आधार पर होता है, फिर उसके साथ भावना भी मदद करता है परखने में, पर उसके साथ मुझे पता है मेरा यज्ञ के प्रति बहुत प्रेम है, मुझे यज्ञ को सहयोग देना है। तो विश्वास के आधार पर भी तो प्रेम, ज्ञान, समर्पण भाव, निश्चय, ये सब भावनाएं, ये सब चीजें हमारे परखने की शक्ति को गाइड करता है, क्योंकि वो रास्ते पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि हम जब गाड़ी में जाते हैं तो खो जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि किस तरफ जाना है, दाएं जाएं, बाएं जाएं, किस तरफ जाएं। तो कुछ क्षणों के लिए हमें, क्षणों में हमें परखना होता है और निर्णय करना होता है कि किस तरफ जाना है। तो आंतरिक अड़चन, जो अड़चनें जो आती है परखने की शक्ति को, तो वो है स्वयं में विश्वास की कमी। जब भगवान बाबा के प्रति प्रेम है, स्व पर विश्वास है, आप अपनी भावनाओं में भावुक नहीं हो जाएंगे। फिर दूसरे क्या कहते हैं उसके आधार पर आप निर्णय नहीं करते। मेरा ये अनुभव रहा है, जब भी कोई कुछ करते कहते हैं और मैं
उनके कहने के आधार पर परखती हूँ तो वो कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि मेरा दिल मानना चाहिए। बहुत साधारण बात हो सकता है। मुझे याद है मेरा समझ और बचपन की जो भी ट्रेनिंग थी था कि जो भी आप किसी से सुनते हो उनकी स्मृति हमारे चित्त पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा है पर मेरा ऐसा अनुभव नहीं रहा उस व्यक्ति के साथ, तो मेरी वृत्ति, मेरा प्रेम, मेरी भावनाएं उस आत्मा के प्रति प्रेममय होना चाहिए। हमारा संबंध प्रेममय होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत साफ दिल का होना जरूरी है, साफ बुद्धि, साफ दिल। ये सब हमारे परखने की शक्ति को बढ़ाता है। मुझे पता है, मैं थोड़ा याद करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी ऐसा हुआ भी है कि परखने की शक्ति गलत थी, लेकिन अगर प्रेम है, भावनाएं हैं, विश्वास है, तो फिर कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे अगले बार के लिए, शायद कुछ हो, किसी ने कुछ कहा। मैं परखने की शक्ति को इस्तेमाल करती हूँ। बाबा ने बहुत सुंदर यंत्र दिए हैं हमें कि हम अपने अनादि स्थिति में स्थित हो जाए, बाबा को याद करें, फिर हम निर्णय भी कर सकते हैं। बाबा की श्रीमत भी हमें मदद करता है निर्णय करने में। बाबा की श्रीमत हमें निरंतर हमें मार्गदर्शन देता है, अब भी मुझे क्या करना है। और ये बहुत अद्भुत बात है, दिलचस्प बात है, जब हम कुछ भी दिल से परखते हैं, आपको बहुत आपको लगता है कि तब उसमें बहुत सहयोग भी मिलेगा कि शक्ति भी भरेगी। पर आंतरिक में, अगर अंदर में हम को निश्चय नहीं है, पता नहीं है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होंगे और अलग अलग बातें भी आएगी, तो हम अंदर में ऊपर नीचे होंगे, हम खो जाएंगे। और बहुत बातें हमारे संस्कारों में, आदतों में समा गई है। जीवन की हर घड़ी में हमें परखना बहुत जरूरी है, हम दाएं हाथ उठाएं या बाएं हाथ उठाएं का इस्तेमाल करें। जिनको हमेशा दाएं हाथ इस्तेमाल करते हैं वो उठाते हैं। स्थूल में भी मुझे पता है कौन सा पैर आपका शक्तिशाली है, कौन सा कम शक्तिशाली है। तो जब मैं चढ़ रही हूँ तो मुझे दाएं वाला उठाना है, जब मैं नीचे उतर रही हूँ मुझे बाएं वाला। तो शुरुआत में मुझे ये अभ्यास करना, दाएं ऊपर जाने के लिए, बाएं नीचे आने के लिए। अगर गलती से भी मैंने कुछ और दूसरा पैर उठा लिया तो मैं ऊपर नीचे हो जाऊंगी, टकराऊंगी। तो खाना पकाते समय भी, कुछ भी करते समय, हमें परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। अभी हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है, खाने के लिए भी कितना बनाना है, क्या बनाना है, स्वाद, उसका रूप,
तो आप परख सकते हैं ये बन गया है कि नहीं बन गया है, पका है कि नहीं पका है। तो पूरा जीवन हर कदम में हमें परखने की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमें मूंझना नहीं चाहिए, तो हमें विश्वास के साथ, विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ सब कुछ करना चाहिए। क्या होगा अगर अंदर में ये भावना है, पता नहीं। लोग हमेशा कहते हैं मुझे पता नहीं क्या होगा, तो मैं कहती हूँ अगर आपको पता नहीं तो आप आगे कैसे पढ़ेंगे। कहते हैं मुझे पता नहीं पर मैं फिर भी कर रहा हूँ। तो अंदर में अगर आप बोले कि हाँ मुझे पता है, चलो मैं करता हूँ, शायद मुझे करना है। ये शायद क्या है, अगर करना है तो कर लीजिए। पूरा समर्पित भावना के साथ आप कीजिए। ये जो डाउट का ये स्वभाव होता है, संशय का स्वभाव, सूक्ष्म रीति में बुद्धि का अभिमान भी, बुद्धि का अभिमान हमें परखने, ठीक तरीके से परखने नहीं देता। आप बहुत खड़े संस्कार से आते हैं। इसलिए जैसे ही मुझे पता चलता है कि ये कुछ संस्कार है मेरे अंदर परखने की शक्ति में, और ये संस्कार मुझे आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए रुकावट डाल रहे हैं, तो अगर हम परख नहीं सकते तो हम निर्णय भी नहीं कर सकते, तो हम कर भी नहीं पाएंगे। फिर तो हमारी स्थिति बाबा के प्रेम में रहने की, आज मैं अनुभव कर रही थी एक मुरली में बाबा ने कहा है, जितना आप बाबा के प्रेम में समाये हुए हो उतना और बाप समान बनते हो। बाप समान बनना क्या होता है, बाप जैसा बनना क्या होता है? तो जैसे शिव बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा, उनके परखने की शक्ति को देखते हुए हम उनसे सीखते हैं, फिर हम दूसरों को मदद कर सकते हैं। हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, मतलब आप वही कर रहे हैं जो बाबा करा रहे हैं। मुझे याद है आप किसी बात से बाबा के सामने जाते हैं, बाबा आपको मदद करेंगे, फिर भी मुझे ही करना है ना। तो हम दूसरे आत्माओं की मदद कैसे कर पाएंगे, हम परख कैसे सकते हैं? मुझे याद है एक बार एक बहन थी, बहुत केसेस है पर मुझे एक बहन की याद है, वो मेरे सामने 5 ऑप्शंस के साथ आए, शायद मुझे ये करना है, शायद ये करना है, शायद ये करना है। मैंने कहा यहीं रुक जाओ, 5 ऑप्शन जो आपने दिया उसको 3 कहो, अभी उस 3 को 2 करो, फिर 2 को 1 में लेके आओ। ऐसा भी होता है जब हम दुकान में जाते हैं और कपड़ों की दुकान में, और इतने रंग होता है, कलर्स, लाल, काला, पीला, कितने रंग होते हैं। तो कई बार हम खुद ने आप को
सिर्फ दो के बीच परखने करना है। मैंने कईयों को सिखाया कि कैसे परखना है, क्योंकि उनको खुद को परखना भी है और निर्णय भी करना है। तो मैंने उस बहन को कहा कि फिर से देखो, आप फिर आप बताओ इन पांच में से दो कौन से अच्छे हैं। तो फिर मैंने पूछा इन दो में से कौन सा और अच्छा लगता है। तो फिर कहा उन्होंने कि इन दो में से मुझे ये एक जो है पसंद है। तो मैंने कहा चलो वो कर लो। तो जो डाउट है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बहुत आंतरिक कल्पनाएं, अगर मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, अगर मैं वो करूंगी तो ये हो जाएगा। पर मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप परवाने हैं, आखिरी क्षमा पर फिदा होना ही है, क्षमा पर मर मिटना ही है। तो अगर मुझे क्षमा पर मर मिटना ही है, तो अगर वो मौका मिलता है तो मैं लेती हूँ उसको। क्योंकि बहुत गहराई से, अंदर से हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे इस यात्रा का बहुत ऑप्शंस भी आएंगे, बहुत चांस भी मिलेगा हमें। मुझे उन सब बातों को परखना भी है और फिर डिसाइड भी करना है प्रैक्टिकली मुझे क्या ठीक है, बेस्ट क्या है मेरे लिए। परखने के बाद भी, निर्णय करने के बाद भी, हमें बहुत दृढ़ता भी चाहिए, शुभ भावनाएं भी चाहिए, कामनाएं भी चाहिए। मैं तुरंत कहती हूँ ओके, मैंने ये निर्णय ले लिया, पर मुझे योगा की शक्ति चाहिए, शांति की शक्ति चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा शुभ भावनाएं चाहिए, कामनाएं चाहिए इस कार्य को करने के लिए। पर अगर मैं आगे पीछे होती रहूं, अंदर में बहुत मुन जाएंगे हम फिर। तो बाबा के प्रति प्यार और परखने के बाद आप जो भी निर्णय करें, आप उसे बाबा के सामने समर्पित कर दीजिए। बाबा उसको पूरा करेंगे, बाबा आपको मदद भी करेंगे और आप बहुत और सीखते जाएंगे आगे। तो परख, किसी चीज के लिए भी आपको परखना है। किसी ने कहा किसी को घर बेचना है, किसी को घर खरीदना है। तो अगर वो आपस में मेरे से बात करे तो मैं पूछती हूँ आपका लक्ष्य क्या है, आप घर क्यों बेचना चाहते हैं, आप घर क्यों खरीदना चाहते हैं। जब वो अब बात करने लगते हैं तो फिर पता चलता है कि उनको बहुत स्पष्ट है कि यही समय है ये करने के लिए। तो पहले हमें परखना है, हाँ ये समय है चुक तो करने की, पर उसी समय हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी चाहिए। बहुत धीरज के साथ। For me, I never think that we should decide anything under pressure. हमें कोई भी तनाव में आकर कभी हम बेचैन हो जाते हैं, उस स्थिति में हमें कभी भी परखना नहीं चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए। नहीं, बाबा की याद में, बाबा के बारे में सोचकर तो फिर आप परखिए और निर्णय लीजिए कि अब क्या करना है। तो थोड़े समय के बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, महीर हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं सोचा अपने जीवन में कि मुझे शायद ये करना नहीं था जो भी मैंने करा अभी। उनको कभी ऐसा संकल्प नहीं आया। जब एंटी ओम मंडली वाले आए, एंटी थे, बहुत
चीजें हुई पर वो आगे बढ़ते रहे, जो भी उन्होंने परखा और निर्णय किया वो खुश थे उसमें। कोई थोड़े लोग मुझे पूछते हैं, आप 7 वर्ष से भी ऊपर वर्ष हैं, क्या आप कभी भी, आपने जो भी परखा, जो भी आपने निर्णय लिया, क्या आप उस पर पश्चाताप करते हैं? तो उनका दीदी कहते हैं, मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा, मुझे लगता है मैं कोई गलत निर्णय लिया है, मैं बहुत सफल हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ। तो एक बार आपने निर्णय ले लिया तो उसको बहुत शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दीजिए, ताकि जो भी अड़चन आए उसका विनाश हो जाए, विघ्न आए। दादी जान की हमेशा कहते थे, अच्छा हमें ये करना है, चलिए ये संकल्प हम बाबा को दे देते हैं, हम बाबा को समर्पित कर देते हैं, फिर आप कीजिए, फिर देखिए कैसा वो कार्य होता है। कहीं ना कहीं बाबा का बनने के बाद इस संगम युग पर, इस जीवन में होते हुए हमें परखने की शक्ति, लौकिक जीवन से बहुत हटकर हमें ये परखने की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा, अपने प्रति हो या संबंधों में हो या धन के प्रति हो, किसी बात में भी लौकिक से थोड़ा हट के हमें परखना होगा। और दूसरी बात है ये लवलीन स्थिति, परखे निर्णय कीजिए और फिर बाबा के प्रेम में समा जाइए, फिर हर कदम में आपको आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बाबा ने कहा आपका बुद्धि का लाइन क्लियर रखिए। तो दिन पर मेरा ये अभ्यास है कि बुद्धि को फ्री रखना है, सदा सिर्फ प्लान नहीं करते रहना है, क्योंकि बीच बीच में मुझे बाबा से अप्रूवल भी लेना है। आपको फिर लगेगा कि बाबा मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आपको लगेगा कि बाबा मुझे गाइड कर रहे हैं। अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हैं और फिर हो नहीं रहा, उसमें भी कुछ कल्याण है। मुझे याद है जब हम पीस विलेज लेने का हमने निर्णय ले लिया था और हमने ऑफर डाला और हमें मिला नहीं, दूसरे पार्टी को मिल गया, तो थोड़ा मायूस हो गए थे। तो मैंने कहा अगर वो बाबा का है तो बाबा का है, अगर नहीं तो उसको जाने देते हैं। तो 2 महीने बाद हमें एक कॉल आया कि ये फिर से ये ऑफर खुल गया है, आपको चाहिए क्या? तो फिर हमने कम दाम में ऑफर डाला और थोड़े महीने पहले ही हमें वो मिल गया, ताकि हम उसकी सफाई सब कर पाए। तो समर्पितता जरूरी है, मैं बाबा की हूँ, सब कुछ बाबा का है, मैं उसका वेस्ट नहीं करूंगी, ना वो वेस्ट होगा, वो हमेशा सफल होगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा और सोचिए, उसके बाद हम निर्णय करने के तरफ जाते हैं। जब परखना स्पष्ट हो जाता है, फिर निर्णय करना बहुत सहज है, मैं करूं कि ना करूं, इस तरफ की उस तरफ, फिर आप निर्णय नहीं कर सकते, बहुत शक्ति और समय इसमें वेस्ट जाता है। इसके बारे में और विचार कीजिए और हम फिर आगे और बात करेंगे।
निर्णय करने की शक्ति के बारे में है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत शुक्रिया दीदी। अभी हम अव्यक्ति जर्नी यात्रा का शुरू करते हैं। अभी आज साकार मुरली है, बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते हैं। ये हिंदी में होगा बाबा का, तो आप अनम्यूट करके सुन सकते हैं बाबा के अल्फाज। चलिए साकार दिनों के अनुभव में जाएं, बाबा के प्रेम में समा जाएं, बाबा के ज्ञान रत्नों के नशे में रहे। बाबा आए हैं अपने प्रिय बच्चों से मिलने। भले कितना भी गरीब होगा, कुछ ले आएगा जो अभी है बेहद का बाबा। बच्चे जानते हैं कि बाप स्वर्ग की बादशाही, विश्व की बादशाही, स्वर्ग कोई छोटा नहीं है, सारा विश्व स्वर्ग बनती है, सारा विश्व नर्क बनती है। तो देखो बाप आते हैं सौगात ले आते हैं जरूर, बादशाही तो मिलनी है जरूर, बाकी बच्चे में पद बहुत है ऊंचे कम, अभी नीच भी तो नहीं कहेंगे, बाकी ये जरूर कहेंगे कि कोई राजा बनते हैं, कोई रंक बनते हैं, तो वो है स्वर्गवासी महाराजा और रंक, और वो है नर्कवासी। फिर ऐसे नहीं है कि कोई ये नर्कवासी कोई दूसरे बनते हैं, वही स्वर्गवासी पूज्य वही नर्कवासी पुजारी बनते हैं। ये भात के लिए बाप समझाते हैं, समझाते ही भात के लिए, क्योंकि उच्च और नीचे यानी उत्थान और पतन ये भात का ही समझाए जाते हैं। 84 जन्म भी भातवासी ही लेते हैं और तो कोई लेते नहीं है। तो अभी सभी बच्चे तो एक जैसे समझे हुए नहीं है ना, ना बच्चे बहुत है जिनको बात करने का खेल भी नहीं है, ऐसे भी बच्चे है टीचर, क्योंकि बाप ने तो समझा ना बच्चे, तुम लोग सबको टीचर ही बनना है। ऐसे नहीं है कि देखो यहाँ है नहीं कॉलेज, तुमको मालूम है बच्चे टीचरों की कॉलेज, सब टीचर है, टीचरों को टीचर पढ़ा रहे हैं, तो तुम भी अभी टीचर हो नहीं, तुमको टीचर पढ़ा रहे है नहीं, तो देखो वो है हद के ये है बेहद के, यानी सब टीचर है, वो नहीं है नहीं, टीचरों को टीचर पढ़ा गए है ये है ना, तुम देखा है यहाँ ये बच्चो यहाँ वाले, तुम कहते ना टीचर आए हुए है समझने के लिए, उनसे पूछे तो बोलेंगे हम टीचर बनने आए हुए हैं, तो फिर जरूर उनको कोई टीचर समझेंगे। तुम भी आए हो टीचर बनने के लिए, जो टीचर नहीं बनते हैं नहीं वो फुल के नहीं है, छोटे मोटे टीचर होते हैं ना बच्चे, अरे किसका पगार टीचर का 2000 ही होगा, किसका 1000 होगा, किसका 800, किसका 2, किसका 50, जो किसके आगे बैठे हो तुमको बस आने से घर में बैठने से बस बाबा बस वर्षा याद आया एकदम, जब वर्षा याद आया अभी दिल में उठते हैं तो वर्षा तो मिलेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, परंतु वर्षा क्या बनेंगे वो मालिक बनेंगे, वहां वजीर बजी तो होते ही नहीं, बाप ने समझाया है। तो देखो एक मनुष्य ये एक है नारायण, दूसरी लक्ष्मी, दो ठीक है बच्चे, अच्छा बाकी सारी प्रजा दास दासियां वो भी प्रजाई बने नहीं, ताकत कितनी है, कितना सारे विश्व पर राज करते हैं, तो तुमको ताकत मिलती नहीं, तो बाबा है सर्वशक्तिमान, तो तुमको उनको याद करते करते कहते कितना सर्वशक्तिमान बनते हो,
सारे विश्व का मालिक बनते हो। ऑटोमेटिकली ड्रामा में बनाया हुआ ऐसा है, कितना सारा रिकॉर्ड रखते हैं। तो बच्चों को तो बहुत मामा कहते हैं नहीं, अभी पद्मा पद्म भाग्यशाली तो सबको कहते हैं, लिखते हैं ना चिट्ठियों में सबको कहते हैं, अभी पद्मा पद्मशाली तो सभी जैसे बनते हैं, परंतु तो उनमें भी तो पद्मा पद्मशाली में भी तो फर्क तो होगा नहीं। अभी भगवान ही बच्चों पर थे, अभी आप ही शांति तो बाबा बैठ करके सिखलाएगा क्या? नहीं, बाबा तो कहते उसे बैठे घूमते फिरते तुम्हारी संग पढ़ाई है, याद की भी पढ़ाई है, और अंदर में सारा जो ज्ञान मिलते हैं अंदर में भी मथन करना रहना। घूमने जाते हो तो भी ये मथन करते जा सकते हो, जमी जमी न कर मथन करते जा सकते हो। अच्छा बच्ची बाजा बजा आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते, निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं बाबा, कितने किले दे रूहानी बच्चों पर थे, मात पिता बाप दादा का याद प्यार हमको नहीं थे। ओम शांति। ओम शांति। कितना अद्भुत है बाबा की आवाज सुनना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल का होमवर्क अभी हम सुनते हैं, तो अभी फरिश्ता बहन शरीन बहन को का स्वागत करते हैं। ओम शांति दिव्य परिवार, ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर बाबा का साकार आवाज था, और आप भी जो शेयर कर रहे थे परखने की शक्ति के बारे में, तो बहुत अच्छा था। तो कल का होमवर्क है प्रेम, निर्णय करने की शक्ति के रूप में, बाबा के प्रेम में समाए हुए मेरा दिल बहुत ज्ञानमय हो जाता है। बाकी याद में या प्रेम में समाये हुए मेरा दिल बहुत विशाल वाइज बुद्धिमान हो जाता है। अभी हम बाबा की याद में बैठे हैं, तो हम थोड़े क्षणों के लिए शांति के स्थिति में स्थित हो जाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, बहुत शांतमय संकल्प उसे खिलाकर उसे शांत करते हैं। मैं आत्मा शांत हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है। इस स्थिति में मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ। बहुत सहज रीति से उत्तर आता है कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, बाबा के प्रेम में समाई हुई लवलीन आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा की हूँ, और बाबा प्रेम का सागर मेरा है।
आत्माभिमानी स्थिति और बाबा के प्रेम में समाये हुए, जो सत्य है, जो अविनाशी है, उस पर रोशनी डालते हैं। मैं आत्मा, स्वराज अधिकारी, मन के ऊपर अधिकारी, बुद्धि और संस्कारों के ऊपर अधिकारी हूँ। मैं अपने मन को ऑर्डर करती हूँ कि अपना ध्यान उस प्रेम के सागर बाबा पर केंद्रित करें। मैं अपनी बुद्धि को ऑर्डर करती हूँ कि वो पवित्र और साफ रहे। मैं अपने दिल को सर्व के प्रति शुभ भावनाओं से भर लेती हूँ। मैं हर क्षण समझ के साथ अपने स्मृति में ये संकल्प इमर्ज करती हूँ। इस स्थिति में मेरी बुद्धि साफ होता है, मेरा दिल भटक नहीं रहा, प्रेम को ढूंढ नहीं रहा। ये स्वराज्य अधिकारी बना मुझे मदद करता है बाबा के प्रेम में मर्ज होने के लिए। मैं मुझे बाबा प्यार करते हैं और मेरी बहुत गहरा क्षमता है प्रेम करने के लिए। ये मेरे परखने की शक्ति को बढ़ाता है। मैं ज्यादा अवसर नहीं देती हूँ अपने मन और बुद्धि को सोचने के लिए। मैं उसे सहज करती हूँ, मैं उसे बहुत साधारण, खास मेरे मन के संकल्पों को, मैं उसमें उस संकल्प को, मन में जो भी संकल्प उठे उसमें नम्रता से भर देती हूँ और सत्यता से। मैं सत्य हूँ, बाप सत्य है। This power to discern, ये परखने की शक्ति बाबा के प्यार में समा कर तो बाबा से दाता बनकर मुझे सूक्ष्म परखना वो मुझे दान में देते हैं। ये दान मुझे माया को भी उससे भी उपराम देख सकती हूँ। तो मेरी दूसरी नजर से मैं देखती हूँ, मैं अपने तीसरे आंख से देख रही हूँ। तो ये मुझे अचल, हर्षित और बाबा के प्रेम में समाई हुई बना देता है। ओम शांति। Om Shanti and good night, everyone. Om Shanti.